नमस्कार, मैं अजय और बातें फिर से 2019 के विधानसभा चुनाव की। हरियाणा के अंदर अब की बार कई नई पार्टियां बनी, जैसे कि सर्वहित पार्टी, जेजेपी पार्टी और कहीं ना कहीं एक दो पार्टियां और बनी, जैसे कि आरजेपी पार्टी। तो अब की बार 2019 के विधानसभा चुनाव क्या मुख लेगा और क्या रूप अपनाएगा, वो बात युवा से बढ़िया कौन बता सकता है, क्योंकि अब की बार जो हरियाणा के अंदर नई पार्टियाँ बन रही, सर जो हरियाणा के अंदर नई पार्टियाँ बन रही, इनका क्या जनाधार रहेगा कि जो देखता वही नई पार्टी बना के बैठा हुआ। देखिए, पार्टी तो बहुत हैं, पहले भी थी, 70 साल से पार्टियाँ बहुत बनी, हज़ारों पार्टियाँ बनी और ख़त्म हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विचारधारा है वो लगभग सेम रहती है। सेम कैसे रहती है, अब आपको उदाहरण दूँ। अभी इलेक्शन में ताज़ा उदाहरण है कि हमारे बहुत से नेता इस पार्टी से उधर गए, उधर से इधर आए, आदमी वही हैं और पार्टियां बदल लेते हैं, लेकिन मूल जो विचारधारा है व्यक्ति की वो उसके साथ रहती है। पार्टी की विचारधारा एक दिन में आकर के वो उस विचारधारा का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ऐसा है कि जो पार्टियाँ हैं ये विचारधारा से नहीं चल रही हैं, ये अपनी एक इन्होंने एक ऑरा एक बना रखा है, उसको लेकर के लोग इधर से उधर अपने स्वार्थ के लिए और इधर से इधर। सर, ये सर्वहित पार्टी नया क्या मुकाम बना पाएगी हरियाणा के अंदर, क्योंकि ये इन्होंने भी 2018 के अंदर ही अपने पैर पसारे। देखो, ऐसा है, सर्वहित पार्टी एक पार्टी ना होकर के एक विचारधारा है जो किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ ऊपरी कहने से नहीं, उसकी नीति बना करके उसका समाधान करने का मद्दा रखती है। सर्वहित पार्टी केवल पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन भी है। आंदोलन है ऐसे युवाओं की खोज करना जो अपने आप को राजनीति में ला करके देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, अपने घर की सेवा, कहीं भी आसपास की सेवा करना चाहते हैं, उनके प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने का। नरदेव जांगड़ा आज अपने हलके की दशा कहाँ देख रहा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अब की बार कैंडिडेट बने हुए सर्वहित पार्टी के अपने भिवानी हलके से। कैंडिडेट होने से पहले मैं एक नागरिक हूँ भिवानी हलके का। भिवानी में लगभग 32 साल मुझे हो गए रहते हुए। पिछले 10 साल से हमारे माननीय विधायक हैं, निवर्तमान विधायक उनको कह सकते हैं, अभी वो मुकाबले में हैं। मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ कि वो किस मुंह से वोट मांगने के लिए जा सकते हैं। यदि एक व्यक्ति 10 साल से लगातार विधायक है, जनता उसको सर आँखों पर बिठा करके विधानसभा में अपने मुद्दे उठाने के लिए भेजती है, और वो व्यक्ति सिर्फ अपनी नींद पूरी करके, कई जन्म जन्मांतरों की नींद पूरी करके और 10 साल गुजार देता है। आज मैं 10 साल के बाद भी, 10 साल पहले भी मैं यहीं था, आज भी मैं यहीं हूँ। अपने आप को कहीं कोई बदलाव नज़र नहीं आता, सिर्फ रोडों के ऊपर एक लेयर बिछाई दी जाती है कि आपको चलने का रास्ता दे दिया, अगर आपको उम्मीदवार न मानकर एक आम को, आपको शहर का आम आदमी माना जाए, तो आम आदमी होने के नाते आप भाजपा का कार्यकाल कहाँ देखते हैं, 10 साल का अपने वर्तमान के विधायक का व 5 साल का पूरे हरियाणा का। बात विधानसभा की जहाँ तक बात करूँ मैं, सारा का सारा जो विधायक का जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो बात करते हैं राज्य सरकार की। राज्य सरकार जो इलेक्शन लड़ रही है, माननीय जो मुख्यमंत्री हैं वो लड़ रहे हैं, वो बात करते हैं केंद्र सरकार की। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आम व्यक्ति क्या समझेगा कि उसको मूर्ख बनाया जा रहा है। अब विधायक जी से पूछो, जी आपके हलके की क्या समस्याएं हैं। मैं गांव-गांव में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं। 10 साल पहले ही पानी की समस्या थी, 70 साल पहले ही पानी की समस्या थी। पानी की समस्याएं बहुत तरह की होती हैं, पानी की, पीने की पानी की समस्या, निकासी की पानी की समस्या, स्टोरेज की पानी की समस्या, पानी की नहरी की पानी की समस्या, सिंचाई की सबसे मुख्य ये है। आज भी वो सारी की सारी समस्याएं ऐसे की ऐसे खड़ी किसी भी गांव में। पार्टी के द्वारा अगर आपको टिकट मिली, आपको मौका मिला विधानसभा का सेवा करने का, तो सर अगर आप जीत जाते हैं तो आपका मूल काम क्या रहेगा और आप अपने आज हलके के अंदर पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम होता है पेट का, पेट जुड़ा हुआ है रोजगार से। रोजगार यदि होगा तो अपना पेट पाल सकता है, बाद में सोचेगा सारी बातें। रोजगार के जहाँ तक मुद्दे की बात है, सबसे पहला मुद्दा मेरा ये रहेगा कि रोजगार कैसे क्रिएट किया जाए। अब बात रहेगी कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले तो जो रोजगार में लगे हुए हैं, जो हमारे जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, उनको आखिरी दम तक, यदि विधानसभा में जाता हूँ तो आखिरी दम तक उनका 58 साल तक उनका रोज़गार सुरक्षित करवाने का काम करूँगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो पार्ट टाइम है, टर्म अपॉइंटी हैं, आईटीआई वाले हैं, जितने भी अपने वोकेशनल वाले हैं, गेस्ट टीचर हैं,
कंप्यूटर टीचर हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर जो लगे हुए हैं अलग अलग महकमों, आंगनवाड़ी हमारी बहनें हैं, आशा वर्कर हमारी बहनें हैं, वो आज तक आंदोलन कर रहे हैं। 10 साल पहले भी आंदोलन कर रहे थे, 20 साल पहले भी कर रहे थे, कोई बदलाव नहीं। सबसे पहले उनकी जो रोजी रोटी है, पेट की दशा देखकर आपको कितना दुख होता है, इसी दुख को देख करके यहाँ खड़े हूँ आज। ये दुख मन में है, इस दुख को ख़त्म करने के लिए, इस दुख को सुख में बदलने के लिए, और ये मेरा ही नहीं है, ये सारे भिवानी हलके की जनता सबका यही दुख है। तो क्या युवा की सुने, युवा की देखें, जय इन सिंह से अजय नायक कैमरामैन कोई।